हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे परसेंटेज, तो आपका स्वागत है यहां पर परसेंटेज पार्ट टू में। हम लोग परसेंटेज का पार्ट वन वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, जो बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं हम परसेंटेज के पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। चलिए हम देखो, यहाँ पर देखते हैं 2 लीटर ऑफ वाटर इवोपोरेट्स फ्रॉम 6 लीटर ऑफ शुगर सोल्यूशन, ठीक है। मतलब 6 लीटर का शुगर सोल्यूशन है, शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन है, उसमें से containing 5% sugar, जिसमें से 5% जो sugar है, तो what will be the percent of sugar in the remaining solution? हमको क्या करना है, जो 6 लीटर का जो solution है, ठीक है, उसमें से 2 लीटर water क्या evaporate हो जाता है, तो हमारा कितना बचा हुआ है water? अब 4 लीटर water हमारा बचा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें ये निकालना है कि 5% है हमारे 6 लीटर में से 5% क्या sugar है, तो हम sugar का quantity निकालेंगे। 6 लीटर of sugar solution containing 5% of sugar, ठीक है। तो शुगर का कंटेंट कितना निकालेंगे, शुगर का कंटेंट हमने यहाँ से निकाला, ये 6 लीटर है, 6% 6 लीटर है, तो 6 हो गया इंटू 5%, क्योंकि 5% शुगर है, तो 5/100 कर दिया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 0.3 लीटर आ जाएगा। तो 0.3 लीटर ये क्या है, हमारी शुगर है, 0.3 लीटर शुगर है हमारी 6 लीटर शुगर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमको अब देखना है कि जो शुगर है वो अब कितना परसेंट होगा 4 लीटर का, क्योंकि जो रिमेनिंग अब सॉल्यूशन है वो 4 लीटर ही तो बचा है, क्योंकि यहाँ पर 2 लीटर तो हमारा क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो अब हमारा बचा हुआ है 4 लीटर बचा हुआ सॉल्यूशन। तो हमें देखना है कि 0.3% 0.3 है वो 4 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 0.3/4 × 100 इक्वल टू आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखा व्हाट विल इज द परसेंटेज, तो 7.5% अब हमारे पास क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब शुगर का जो क्वांटिटी है वो क्या इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पहले अब 2 लीटर वाटर को उसने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है ना। तो हमारा आ गया 7.5% आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आनंद गेट 50% मोर मार्क्स देन अरुण, ठीक है। अरुण से जो आनंद के हैं वो 15% मार्क्स ज्यादा है। जैसे कि मैं प्रीवियस न्यूमेरिकल से मैं बता चुका हूँ कि जब भी परसेंटेज की बात होती है, या इसके इतने ज्यादा है या उसके इतना कम है, तो हमेशा जो माना करो वो 100 माना करो, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ मार्क डज अरुण गेट लेस देन आनंद, ठीक है। यहाँ इतना तो पता चल गया कि जो अरुण के नंबर हैं वो कम हैं, क्योंकि जो आनंद है वो 15% मार्क्स ज्यादा ले आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या माना कि अरुण के 100 मार्क्स मान लिया कि 100 है, तो जो आनंद के होंगे वो कितना हो जाएंगे, क्योंकि 15% ज्यादा है, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15, तो 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 115, तो आनंद गेट्स 115 मार्क्स, ठीक है। अब हमको निकालना है कि जो अरुण के नंबर है वो आनंद से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कितना परसेंट कम है, तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा 15 डिफरेंस हो गया, कितना कि 115 माइनस का 100, ठीक है, अपॉन में 115, क्योंकि आनंद के कंपेरिजन में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 115, और वो पूछ रहा है कितना परसेंट, तो परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 115 माइनस 100 कितना आ गया, 15 आ गया, इंटू ये 100 अब 115, इतना आ जाएगा, इतना परसेंट वो क्या है, अरुण के नंबर कम है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ डज अरुण गेट्स लेस देन आनंद, तो कितना परसेंट, इतना परसेंट आएगा 13.04% अरुण के नंबर कम है एज कंपेयर टू आनंद, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इन ए टाउन, किसी टाउन 30% क्या इलिटरेट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इलिटरेट और 70% आर पुअर। तो यहाँ पर जब परसेंटेज की बात की है तो मैं क्या मान लेता हूँ कि हर चीज 100 है, ठीक है। तो इलिटरेट यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं, इलिटरेट, इलिटरेट कितना है 30% दिया हुआ, तो मैं इसको मान लेता हूँ 100 के कंपेरिजन में कि 30 हो गया, और यह इलिटरेट दिया हुआ, और पुअर पीपल कितने दिए हुए हैं, पुअर दिए हुए हैं 70%, तो 70% को मैं 70 मान लेता हूँ कि 100 की कंपैरिजन में, ठीक है। तो अमंग द रिच, जितने भी रिच हैं उसमें से 10% क्या इलिटरेट हैं, ठीक है। तो व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पुअर पीपल इज इलिटरेट, ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन का जो गरीब पॉपुलेशन है उसमें से कितने इलिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इलिटरेट हैं वो क्या 30 है, तो ऑफकोर्स जब 100 के कंपैरिजन में है तो जो लिटरेट होंगे वो कितने होंगे, वो 70 होंगे ना, क्योंकि जब इलिटरेट हैं पढ़े लिखे नहीं व्यक्ति 30 हैं, तो पढ़े लिखे कितने होंगे, 70 होंगे, तो ये तो 100 बनेगा। और यहाँ पर दिया हुआ पुअर,
पुअर कितने हैं, पुअर है 70, तो जो रिच होंगे, रिच कितने हो जाएंगे हमारे, 30 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, अमंग द रिच 30% आर इलिटरेट, रिच कितने हैं हमारे पास 30, तो 30 में से जो 10% है, 30 का जो 10% है वो क्या इलिटरेट है, ठीक है। तो 30 का हम लोग 10% निकालेंगे, 10/100 तो कितना आ जाएगा 3, 3 क्या है इलिटरेट है, ठीक है ना। तो अमंग द रिच 10% आर इलिटरेट, तो 3 क्या है जो रिच है, रिच पीपल में से 3 क्या इलिटरेट है, तो जो रिमेनिंग यहाँ पर कितने बचे 27 क्या होंगे लिटरेट होंगे, मतलब पढ़े लिखे होंगे, 3 अनपढ़ हैं और ये क्या 27 क्या लिटरेट होंगे। तो हमको निकालना 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पुअर पीपल इज लिटरेट, पुअर पीपल की पॉपुलेशन कितनी है 27, ठीक है, उसमें से निकालना है इलिटरेट कितने हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये इलिटरेट आ गए 3, और ये इलिटरेट टोटल कितने हैं हमारे पास, इलिटरेट टोटल है हमारे पास 30, ठीक है, और यहाँ पर हमने 3 निकाल दिए क्योंकि रिच पीपल में से 3 अनपढ़ हैं, तो हमारे पास कितने इलिटरेट की अब कितना बचा, इलिटरेट बचे हमारे पास 27 बचे हुए हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है कि 27 70 का, क्योंकि 27 टोटल पुअर में से इलिटरेट कितने आ गए 27 आ गए, है ना, तो 27 और टोटल पुअर पीपल कितने हैं 70, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना परसेंटेज ऑफ पुअर इलिटरेट क्या होगा 27/70 × 100 कर देंगे, क्योंकि 27 निकालना है किसका, 27 क्या इलिटरेट है और 70 टोटल पुअर पीपल है, ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इसका बेसिक आइडिया हो गया होगा एवरेज से रिगार्डिंग, और अगर आप इसके और न्यूमेरिकल्स देखना चाहते हैं और इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स है और देखना चाहते हैं इसके जो फर्दर से जो इसके लेक्चर्स हैं परसेंटेज Part-1 Part-2 Part-3 Part-4 वो आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इससे रिगार्डिंग और जितने भी एप्टीट्यूड्स हैं और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो नॉन टेक पूछा जाता है उससे रिगार्डिंग आपको वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।